बच्ची है वो जर्मनी जा रहे हैं, तो एवरीवन इज लाइक उनको छोड़ने को आया, उनको मिलने को आया, तो उनको मन हुआ कि उनको जाके मिले, वो संत स्वामी विवेकानंद जी को मिलना चाहते थे। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो जाके खुद डाउन डेक पे इकोनॉमी क्लास पे जाके मिल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि वहां जाके कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा मिलने वाला है। तो वो वहां गए और उनको बहुत अच्छे से ग्रीट किया और उनको पूछा आप जर्मनी क्यों जा रहे। तो बोलते बोलते जैन टाटा जी ने कहा कि बहुत सारे जिले से मैंने मिट्टी इकट्ठा की है हिंदुस्तान की, भारत की, और वो मिट्टी मैं जर्मनी में जाके दिखाने वाला हूँ कि इसमें आयरन ओर्स मतलब लोह का तत्व कितना है, और उस हिसाब से मैं मेरा इंडस्ट्री बढ़ाना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी हैरान हो गए, बोले आपको लगता है जर्मनी जाके यूरोपियंस आपके इस मिट्टी में अच्छा लोह है ये कबूल करेंगे? क्योंकि कभी यूरोपियन कंट्री या तो यूएस यूके कंट्री नहीं चाहती कि भारत लोह पुरुष बने, लोह राष्ट्र बने। और वो सुनते ही जैन टाटा जी हैरान हो गए, तो बोले मैं अभी क्या करूं, क्योंकि उनको कल्पना थी, उन्होंने वो यूरोप मिल चुके थे कि उनको वहां से रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा क्यों ना ऐसा करे कि मैसूर के जो मांडलिक इंग्रजों के राजा है लेकिन वो हिंदुस्तान के लिए जी जान से है, तो उस राजा के पास, मैसूर के राजा के पास आप चले जाइए, वो आपको मदद करेगा। क्योंकि शिकागो की जो धर्म परिषद थी उस शिकागो की धर्म परिषद के लिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को मदद की थी। तुरंत जर्मनी से वापस आने के बाद जैन टाटा उस मैसूर पैलेस में गए, उस राजा से मिले, और आपको बिलीव नहीं होगा 370 एकड़, आप हिस्ट्री देख सकते हो, 370 एकड़ जमीन मैसूर में कर्नाटक में दी गई और वहां पे एक इंस्टीट्यूट बना। वो बहुत विजनरी थे जैन टाटा जी, वहां पे कॉलेज खुलवाए, वहां पे रिसर्च सेंटर खुलवाए, और वहां पे जो ओपनिंग था उसमें स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया। उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आज हम सब उसको जानते हैं सब। उधर टाटा जी ने स्वामी विवेकानंद जी को ऑफर दी थी इसका पूरा इंचार्ज आप संभाल लीजिए, तब बहुत प्यार से उन्होंने मुंह नकार दिया, बोले आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप ये करना अच्छे से जानते हो, मुझे खनिज मेटल से कुछ लेना देना नहीं, मैं सिर्फ विचार आपको डाला हूं। अच्छा तो ऐसे है, वही कॉलेज वही रिसर्च सेंटर में आज पूरे राष्ट्र को हमको लोह राष्ट्र बनाया। एक विचार जो बोले संकट 5 मिनट भी, वो पूरा इंडस्ट्रियलिस्ट फर्स्ट क्लास से इकोनॉमी क्लास आके अगर वो विचार आचार नहीं होता यूरोप में जाके, आपको लगता है वो जिला हर एक जिले से जो मिट्टी लेके गए थे वो उसमें से लोह पुरुष निकलता था। आज टाटा स्टील पूरे जग भर का मजबूत स्टील, पूरे जग भर वही लोगों से एक आचार विचार, इसी हिसाब से हम डायमंड मीट के लिए आते हैं कि कुछ तो अच्छा सुनने को मिले, वो शाला चले, वो आज यूपी से भी आए, मुंबई से भी आए, वो आचार विचार प्रदान। तो धन्यवाद सभी डायमंड्स के लिए, राजा राम को भी श्री पुरुषोत्तम श्री प्रभु रामचंद्र बनने के लिए 14 साल का वनवास लेना पड़ा, अच्छे लोगों का संगत लेना पड़ा, तभी वो पुरुषोत्तम करेंगे। आज डॉक्टर लिम भी गुणवील अम्बेसिडर बने, 10 मिलियन ब्रांड अम्बेसिडर, 38 क्राउन अम्बेसिडर बनाए, तब 28 साल का मतलब डबल अम्बेसिडर बने। हम तो आके इधर तो बैठ सकते हैं, 6